Hello everyone, welcome to my channel VS Education Shop Man. Today I am here to discuss important wrong number series के कुछ questions जो कि exam point of view से important questions हैं. आज fourth class है आपकी, three class already complete हो चुकी है. अगर आपने नहीं देखा last year three class तो please एक बार जाइएगा, देख लीजिएगा. जिनका भी 19th और 20 को IBPS PU का exams है उनके लिए this session is very very important. Okay, clerk के लिए तो बहुत important है and LIC assistant जैसा कि आपको मालूम है सभी को कि आपके एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं. अगर आपने देख लिए हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार जाइएगा, देख लीजिएगा LIC के ऑफिशियल साइट्स पर, राइट. एंड नंबर्स किसी भी FCI का एग्जाम्स भी आप कवर कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस में, राइट. अच्छे क्वेश्चंस हैं, टॉप 150 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है. 100 क्वेश्चंस का मैं ऑलरेडी PDF अपलोड कर चुका हूं. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाइए देखिए, 100% आपको पता चल जाएगा किस बेसिस पे है. ओके, रॉन्ग नंबर सीरीज पार्ट आपकी प्रैक्टिस से ही मजबूत होगा, राइट. स्ट्रांग आप तभी बना सकते हैं अब जितनी प्रैक्टिस किस बेसिस पे करते हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं सेशंस को. एंड बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू स्टूडेंट इन माय चैनल्स तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल्स, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको नोटिफिकेशंस रिसीव हो जाए. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड पे. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्रेट इन्फॉर्मेशन फॉर यू, रॉन्ग नंबर सीरीज के PDF में अपलोड कर चुका हूं. टोटल्स 100 आपके क्वेश्चंस हैं, टॉप अप लेवल पे क्वेश्चंस हैं. मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के 12th ऑफ जो एग्जाम्स हुआ था IBPS PU का, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनका भी एग्जाम्स हुए एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा PDF 100%. अगर आपको इस डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, सर PDF चाहिए. मैं 100% उसका PDF आपको इसके लिंक में, इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, राइट. मूविंग ऑन, चलते हैं नेक्स्ट पे. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन 16 to 20. 1 to 15 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ माय डियर स्टूडेंट्स. देखिए, 1 to 15 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइएगा देख लीजिएगा. क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज हो चाहे मिसिंग नंबर सीरीज हो, मैं हर बार कहता हूँ आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़िया है, आपका स्लो मेथड आइडेंटिफिकेशन, स्लो मेथड आपको रिकॉग्निशन करने में बहुत आसानी होती है एक तरह से, तभी आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं होती, कोई भी एक तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी है. अदरवाइज यू आर स्किप दिस क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, स्किप करना पड़ेगा. ओके, याद रखिएगा रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ी डिफरेंट पैटर्न होती है, थोड़ी डिफिकल्ट होती है, थोड़ी मॉडरेट होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है एज कम्पेयर टू मिसिंग नंबर सीरीज, राइट. देखिए, 15, 34, 73 and 132 and 223 and 350, राइट. दिस इज द क्वेश्चंस. देखिए, क्वेश्चंस दो पैटर्न से सॉल्व हो सकता है, दो पैटर्न्स आप पैटर्न्स ऑब्जर्व कर सकते हैं, लगा सकते हैं, बट पैटर्न इसमें एक ही फॉलो करेगा, राइट. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके 19 का डिफरेंसेस है, राइट. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी 13 माइनस 4 इजिकल टू 4 एंड 7 माइनस 3 यानी कि 6 माइनस 3 यानी कि 39 का डिफरेंसेज है. यहाँ देखिए 59 का डिफरेंसेज है, राइट. एब्सोल्युटली लगेगा 12 माइनस 3 इजिकल टू 9 एंड 12 माइनस 7 इजिकल टू 5 इजिकल. ओके, देन बिकम्स यहाँ देखिए 3 माइनस 2 1 एंड 7 प्लस 2 9 यानी कि 91 का डिफरेंसेज है. यहाँ पर देखिए 127 का डिफरेंस है, एब्सोल्युटली लग रहा है 27 प्लस 27 इसमें ऐड कीजिए 250 प्लस 100 इजिकल टू 350, राइट. इस मीन्स अब देखिए सीरीज किस बेसिस पे जा रही है, यहाँ से अपने को पैटर्न लग रहा है कि 20 इसका प्लस 20 का डिफरेंसेज है, यहाँ पर 20 का डिफरेंसेज है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20 का डिफरेंसेज नहीं है, या तो ये यहाँ तक 20 का आ रहा है तो देन बिकम्स यहाँ पर भी 20 का होना चाहिए था, बट यहाँ पर भी 20 नहीं है. देखिए, मैंने हर बार हर क्वेश्चन में कहा है कि अपने को 3 टर्म्स आइडेंटिफिकेशन करने जरूरी है, तभी अपना नेक्स्ट पैटर्न अपना आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. अब देखिए, अपने पास 2 टर्म्स है 2020 का, तो नेक्स्ट टर्म्स अपन 20 देखते हैं, तो इसका मतलब यहाँ तक सीरीज चाहिए, या ये रहोंगे या ये रहोंगे. अब देखते हैं कौन सा पैटर्न रोंग होता है, या पैटर्न फॉलो करता है या नहीं. देखिए, 20 इसमें डिफरेंस करेंगे तो 79 यहाँ पर एब्सोल्युटली होगा, 79 91 का जगह, तो 79 इसमें ऐड करेंगे देन बिकम्स नेक्स्ट आपके 20 इसमें ऐड करेंगे तो 99 एब्सोल्युटली होना चाहिए, राइट. 99 एब्सोल्युटली होना चाहिए, तो ये दोनों में से एक पैटर्न रॉन्ग हो सकता है, या ये हो ये होना होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए. देखिए, 350 माइनस अपन 99 करेंगे तो डैश करेंगे तो 251 अपन एब्सोल्युटली यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट. 251 तो 251 प्लस
इसमें इन दोनों का डिफरेंस 79 आ रहा है क्या? देखिए नहीं आ रहा, राइट नहीं आ रहा। दोनों का डिफरेंस 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9, राइट। एंड 24 माइनस 13 इज इक्वल टू 24 माइनस 13, राइट। तो 7 और 4 11, तो 199 आ रहा है। तो दिस पैटर्न इज रॉन्ग, ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये पैटर्न आपको, क्योंकि इस पैटर्न में एक तरह से कह सकते हैं दोनों रॉन्ग टॉन्ग नंबर आ रहे हैं। तो आप देखिए पैटर्न क्या फॉलो करता है। देखिए 350 आपको मालूम है 7 का क्यूब होता है प्लस 7 का स्क्वायर होता है, 7 का प्लस 7 होता है, राइट। 353 का क्यूब 343 प्लस 7 इज इक्वल टू 350, राइट। 6 का क्यूब 216 प्लस 7, राइट। 223 इज इक्वल टू, करेक्ट है। इट मीन्स 5 का क्यूब आपके 125 प्लस 7 इज इक्वल टू 3132 इज करेक्ट, राइट। इट मीन्स दोनों पैटर्न यहां पर करेक्ट है। अभी तक देखिए मैंने कहा था तीन पैटर्न आपको, तीन जो एक तरह से कह सकते हैं थ्री टाइम्स आपको करेक्ट होना चाहिए, थ्री टर्म्स आपको मिलने चाहिए, तभी आप नेक्स्ट टर्म्स लगा सकते हैं। देखिए यहां पर फिर तो 4 का क्यूब प्लस 7, 3 का क्यूब प्लस 7, राइट। तो नेक्स्ट 2 का क्यूब प्लस 7, राइट। तो दिस पैटर्न इज फॉलोड, यानी कि 4 का क्यूब प्लस 7, राइट। 7 है प्लस 7, 4 का क्यूब प्लस 7, 64 प्लस 7 इज इक्वल टू 73, यानी कि यह भी करेक्ट है, राइट। 2 का क्यूब प्लस 7, 2 का क्यूब आपके होता है 8 प्लस 7, 15, यहाँ भी करेक्ट है, राइट। 3 का क्यूब प्लस 7, 3 का क्यूब आपके होता है 27, 27 प्लस 7, राइट। 27 प्लस 7 34, यानी कि ये करेक्ट है। एक बार वापस रीचेक करते हैं, 4 का क्यूब आपकी, 4 का क्यूब 64, 64 प्लस 7 यानी कि 64 प्लस 7 71 होता है, नॉट 73, सॉरी फॉर दैट, 71 होता है, 73 नहीं होता। तो दिस पैटर्न यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन अच्छा था, तो इसलिए क्वेश्चन आपको अच्छा लगा बताइएगा इस कमेंट बॉक्स में, सर क्वेश्चन अच्छा था, ओके। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल्स को, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फोर्स, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए डिवाइड के बेसिस पे जा रहा है, यहाँ पर भी डिवाइड के, डिवाइड के, डिवाइड के। तो अपन डिवाइड ना लेके अपन मल्टीप्लिकेशंस लेते हैं, ताकि पीछे से चलते हैं, राइट। यहाँ पर देखिए इनटू 1 प्लस 1 चल रहा है, यहाँ पर लग रहा है अपने को, यहाँ पर इनटू 2 प्लस चल रहा है, इनटू 2 प्लस 2 एक तरह से कह सकते हैं, राइट। इनटू 3 प्लस, इंटू 3 प्लस 2 होगा ये, इंटू 3 12 3 जा 36 प्लस 2 यानी कि 38, यानी कि 1 2 2, यानी कि इस पैटर्न यहाँ पर कुछ पैटर्न रोंग है, या ये रोंग है, ये रोंग है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं इंटू 5 प्लस 5, तो देन बिकम्स यहाँ पर 5 इंटू 5 प्लस 5, यहाँ पर देखते हैं एक और पैटर्न इंटू 6 प्लस 6 होना चाहिए, देखते हैं 8 6 48 48 5 48 30 + 6 48 36 इज द करेक्ट, राइट। यानी कि बहुत ही सीरीज का पैटर्न यही है, तो इंटू 3 प्लस 2 नहीं, इंटू 3 प्लस 3 होना चाहिए, राइट। यहाँ पर इंटू 4 प्लस 4 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो करेगा, तो इंटू 3 प्लस 3 यानी कि 12 3 जा 36 प्लस 3 यानी कि 39 होना चाहिए, ओके। 39 इंटू 4 156 प्लस 4 इज इक्वल टू 160। आई होप सो गाइस क्लियर होगा। 38 इज द रॉन्ग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। डी 17 का डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, यह भी उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया था। 1 से 2, 2 से 6, 6 से 30, 30 से यहाँ पर देखिए ये 70, ये एक तरह से 7 टाइम्स एब्सोल्युटली लग रहा है। 7 3 से 21 बिल्कुल करेक्ट है, राइट। यहाँ पर देखिए ये 5 टाइम्स बिल्कुल आपको लग रहा है, राइट। यहाँ से अपन सीरीज ऑब्जर्व हो गई कि क्या पैटर्न चल रहा है। यहाँ से यहाँ 3 टाइम्स बिल्कुल लग रहा है, एंड देन यहाँ पर आपके 2 टाइम्स बिल्कुल लग रहा है। देखिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आप डिवाइड के बेसिस पे जा सकते हैं कि डिवाइड कर लें इस बेसिस पे, ओके। इस बेसिस से आप सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ से डिवाइड किया इतने का डिवाइड, एंड देन यहाँ से इतने का डिवाइड, एंड यहाँ से आप डिवाइड बाई 7 भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूटेबल हो, जो आपका टाइम कम लगे, वो आप पैटर्न फॉलो करवा सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग्स, इट्स माई अकॉर्डिंग पैटर्न्स, आपके जो पैटर्न मल्टीपल मल्टीपल का है वो पैटर्न बेस्ट रहेगा, ओके। देखिए यहां पर बिल्कुल करेक्ट है, इट मींस यहां तक सीरीज बिल्कुल करेक्ट है, या ये आंसर हो सकता है, या ये तो नहीं होगा, या ये नहीं होगा, या रन ऑफ दीज हो सकता है, राइट। देखिए सेवन यानी कि यहां पर देखिए 2
3, 5, 7, राइट। यहाँ से सीरीज एब्सोल्युटली लग रहा है कि दिस नंबर इज प्राइम नंबर सीरीज, राइट। 11 टर्म्स एंड देन नेक्स्ट टर्म्स आपके 13 टर्म्स, राइट, क्योंकि 2, 3, 7 इज ये प्राइम नंबर सीरीज है, राइट। मल्टीप्लिकेशन में प्राइम नंबर सीरीज आपके डिवाइड दी है, ओके। 11 का मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही इजी वर्क है। 11 वन जो 11 आप कह सकते हैं, एंड 11 2 22 22 plus 1 यानी कि 22 plus 1 यानी कि 23 23 10, इट मीन्स यहाँ पर 2310 आना चाहिए, नॉट 2313, राइट। इट मीन्स यहाँ पर बी इज द करेक्ट, 2010 आना चाहिए रूट, राइट। यानी कि जीरो का जीरो तो एंड देन 13 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। 13 से 13 का मल्टीप्लिकेशन 13 3 9, राइट। 13 के देखिए बहुत ही, अब देखिए 13 1 जो 13, राइट, 3 यहाँ पर रिमाइनिंग रहा एंड देन 1 कैरी, 13 1 13 3 जो 13 सीधा 39 39 प्लस 1 इज इक्वल टू 40, यानी कि यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट जाता है। 4 कैरी, 13 2 जो 26 प्लस 3 यानी कि 30, इट मीन्स 30 यहाँ पर ये सीरीज बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए 2313 इज द रॉन्ग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड 2310 इज द करेक्ट, ओके। आई होप सो गाइस क्लियर होगा, अच्छी सीरीज थी, आपको लगा कि हाँ सर क्वेश्चन अच्छे थे, तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल्स को, राइट। नेक्स्ट देखिए 3 से 7 7 से 7 से 23 23 से 59 59 से 1 2 3, यहाँ पर सीरीज आपको लग रहा है कि दिस इज द डिफरेंस बीच पर नंबर सीरीज है, राइट। 4 का डिफरेंसेज है, यहाँ पर 16 का डिफरेंसेज है एंड देन यहाँ पर देखिए 9 minus 3 6 एंड 4 minus 2 यानी कि 3 का डिफरेंसेज है एंड देन नेक्स्ट पैटर्न एक और देख लेते हैं, 3 minus 13 minus 9 is equal to 4 यानी कि 11 minus 5, राइट, 11 minus 5 6 यानी कि यहाँ से सीरीज अपने को आइडेंटिफिकेशन हो गई कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये नेक्स्ट टर्म्स आपके 10 का स्क्वायर होना चाहिए, नेक्स्ट टर्म्स आपके 12 का स्क्वायर होना चाहिए, राइट। 12 का 10 का स्क्वायर होता है आपका 100 एंड 12 का स्क्वायर होता है 144, राइट। दिस इज द सीरीज, राइट, 100 यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 2 1 नहीं 2 2 3 होना चाहिए, राइट। 2 2 3 होगा तभी 144, 4 3 7 एंड 2 4 और 2 6 एंड देन 2 1 plus 1 is equal to 3, इट मीन्स करेक्ट है, 2 2 3 इज द करेक्ट, ओके। तो यानी कि 2 2 1 यहाँ पर रॉन्ग है, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा, सारे क्वेश्चन स्पीडली सॉल्व किए हैं ताकि सारे क्वेश्चन अपन कवर कर पाए मिनिमम टाइम्स में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लुक एट दिस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 4 10 22 46 96 190 382, राइट। 4 से 10 10 से 22 यानी कि इंटू 2 प्लस 2, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट इंटू 2 प्लस 2, यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ क्या यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इंटू टू प्लस फोर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं इंटू 2 प्लस 2, यानी कि ये पैटर्न बिल्कुल करेक्ट है, इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, यहाँ पर देखिए इंटू 2 प्लस 2 बिल्कुल सही है, तो दिस पैटर्न इज फॉलोड, राइट। इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 एंड देन इंटू 2 प्लस 2, राइट, यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए था, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। इट मीन्स 4 10 यानी कि ये नहीं होगा, दो बार ऑप्शंस मैंने 4 दिया, ये भी नहीं होगा, ओके। 3 82 भी नहीं होगा, तो देन कम से ये हो सकता है, ये नन ऑफ दिस हो सकता है, ओके। देखिए इंटू 2 प्लस 2, राइट, इंटू 2 प्लस 2 94 आना चाहिए था, नॉट बिकम्स 96, राइट, 96 नहीं आना चाहिए, इट मीन्स 96 इज द रॉन्ग आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ई इज द करेक्ट आंसर, 94 इंटू 2 यानी कि 188, राइट, 188 प्लस 2 190 इसका करेक्ट, इट मीन्स 94 यहाँ पर आना चाहिए,
96 की जगह, इट मीन्स 20 का आपकी नन ऑफ दीज, ऐसे क्वेश्चंस में नन ऑफ दीज आपके ऑप्शंस देता है। आई होप सो गाइस आपको मजा आया होगा, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, सॉल्यूशंस अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा, देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो क्रिएट करने में, क्वेश्चंस टाइप करने में, तो प्लीज़ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेशंस को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड के साथ, अपने ग्रुप्स में किसी भी ग्रुप में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड सब्सक्राइब कर ले चैनल्स को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग, आई होप यू आर एंजॉय द सेशंस, इफ आई एंजॉय द सेशंस तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।